मॉर्निंग इरेक्शंस या मॉर्निंग वुड, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो उनका पेनिस इरेक्ट रहता है या कठोर रहता है। अब इसके बहुत कुछ कारण है, मेरे कई वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा की। अभी एक शॉर्ट बताता हूँ शॉर्ट में, कि भाई आपने एक आधा सेक्सुअल ड्रीम देखा होगा नाइट में जब आप उठ रहे हो तब देखा होगा, और या आपने कुछ ऐसा मतलब वो ड्रीम में ऐसा देखा होगा कि आप किसी बात कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, वो देखा होगा, या फिर हो सकता है कि आपका पेनिस जो है वो बेड के ऊपर घिस गया होगा, बेडशीट के ऊपर घिसा होगा नेचुरली, या आपका पार्टनर का हाथ आपके हाथ के आंख के ऊपर आ गया, उसका स्टिमुलेशन आपको हो गया, या फिर ऐसा भी है कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल सुबह ज़्यादा होती है, सेक्स हार्मोन जो है उससे भी इरेक्शन आता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कि जिससे मॉर्निंग इरेक्शन आता है, और मॉर्निंग इरेक्शन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। यदि मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है और सेक्स के समय इरेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है मतलब बहुत सारी बीमारियां नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है। अब जब मॉर्निंग इरेक्शन आता है तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कठोरता रहती है पेनिस में, और उस समय पेशाब भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, मतलब ब्लैडर फुल रहता है। जब रात को 6-7 घंटे 8 घंटे सोते हैं और उठते नहीं हैं तो ब्लैडर फुल है, पेशाब जोर से लगी हुई है, दर्द हो रहा है, और इधर इरेक्शन है जिसके वजह से पेशाब नहीं हो रही है, तब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई। तो भाई आपको दर्द हो रहा है, पेशाब करने के लिए आप उत्सुक है, मतलब पेशाब करना लगता है, इधर इरेक्शन है, तो ये अभी क्या करें? तो आपको क्या करना होगा कि भाई आपको पहले इरेक्शन को मिटाना होगा या इरेक्शन को नष्ट करना होगा, इरेक्शन को लूज़ करना होगा, और फिर उसके लिए फिर आप आपका अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, ठंडा पानी पेनिस के ऊपर मार सकते हैं, या ऐसा सामने झुक सकते हैं, या फिर कमोड़ में बैठ सकते हैं, और बैठकर पेशाब करते तो धीरे 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 पेशाब आना शुरू हो जाएंगे और इरेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, या ब्लैडर के ऊपर मतलब पेनिस के ऊपर जो एरिया है उसको, वहाँ ब्लैडर रहती है अंदर, तो वहाँ उसके ऊपर थोड़ा मसाज करना है, या उसके ऊपर हॉट वाटर कि बैग रखो या बॉटल रखो, तो उससे भी अच्छा लगता है, और उससे भी इरेक्शन निकल जाएगा और धीरे से फिर आपके पेशाब आना शुरू हो जाएंगे। अभी ये होने के बावजूद भी यदि पेशाब नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हो सकता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, तो उसका फिर अलग इलाज होगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, इलाज होगा, मगर बाकी फिर कोई नहीं है और इरेक्शन की वजह से पेशाब नहीं हो रही है तो उसका इलाज अलग है जो मैंने अभी बताया। बेस्ट यह है कि भाई आपके पास में कमोड़ हो तो कमोड़ में बैठ जाओ, आराम आराम से पेशाब आना शुरू हो जाएगी और आराम आराम से इरेक्शन निकल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इरेक्शन है और नहीं निकल रहा है फिर आपको अटेंशन डाइवर्ट करना, मुंह के ऊपर पानी मारना, लिंग के ऊपर पानी मारना, ऐसा कुछ अलग अलग करने पड़ेंगे उसके तरीके, तो जिससे आपका इरेक्शन निकल जाएगा और फिर आपको पेशाब होंगे। ये नॉर्मल है मॉर्निंग इरेक्शन आना, और मॉर्निंग इरेक्शन आना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यदि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप ज़रूर हमें संपर्क कीजिएगा, नीचे नंबर दिए हैं, आप संपर्क करके हम आपको आपके घर में वीडियो कॉल के बाद में दवाई भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।